Hello everyone. So in last lecture we have seen the chapter number current electricity. In that we have seen a topic that is KVL and KCL. It is Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. So in our second lecture of current electricity, we are going to see about the Wheatstone network and Wheatstone meter bridge. So today's topic is Wheatstone network and Wheatstone meter bridge. So let us start with Wheatstone network. Wheatstone network. सबसे पहले we should know for what purpose we have designed this network. So this network is used to identify the resistance of given equipment or resistance. So this Wheatstone network is used to find the resistance of given equipment or resistance. Okay. So in this Wheatstone network, it is of quadrilateral form. इसका shape कैसे होता है? Quadrilateral form में होता है. कैसे form में? Quadrilateral form. So let us consider one quadrilateral. इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया. क्या कंसीडर किया हमने? क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया. इस क्वाड्रिलेटरल में जहां पर गैप दिए है वहां पर होते हैं हमारे रेजिस्टेंस. क्या होते हैं हमारे रेजिस्टेंस होते हैं जी सर. मैं रेजिस्टेंस इसको नाम दे दूंगा पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस. और यहाँ पर ना इस पॉइंट के नाम होंगे पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट सी एंड यहाँ पर पॉइंट डी. अब यहाँ पर पॉइंट बी एंड पॉइंट डी के बीच में हम कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर. क्या कनेक्ट करेंगे हम लोग? ये गैल्वेनोमीटर. सो इन बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी वी आर गोइंग टू कनेक्ट वन गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी. तो हम अगर आपको किसी ने पूछा कि वॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इन व्हीटस्टोन नेटवर्क, तो आपको आंसर क्या देना है? जी, राइट. उसके बाद वी विल कनेक्ट दिस पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, विद द बैटरी. ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया मेरा नेगेटिव. तो दिस इज माय व्हीटस्टोन नेटवर्क. अगर हम बात करें अभी तो देखो पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. दैट मीन पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल. पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल. पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. दैट्स व्हाई यू कैन से इट दैट लोअर पोटेंशियल. तो अगर आपको पूछा जाए कि विच पॉइंट्स आर एट लोअर पोटेंशियल, तो आपको क्या आंसर देना है? पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल, पॉइंट सी इज एट लोअर पोटेंशियल. सो नाउ लेट्स कंसीडर द करंट. अभी हमें पता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट. द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. लेट्स स्टार्ट विद द करंट आई फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. यहां से लगा लेते हैं इट इज सच यू एस करंट आई. यहां पर देखो यहां पर भी करंट आई जाएगा, यहाँ पर भी करंट आ जाएगा. अब यहाँ पर पॉइंट ए पे हमारा क्या है? ये जंक्शन है. क्या है हमारा? ये जंक्शन, जिसको मैं बोलता हूँ जे वन जंक्शन. हमने लास्ट में पढ़ा था जंक्शन क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर टू से दो से ज्यादा क्या होती है ब्रांचेस कनेक्ट होती है, दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं जंक्शन. तो यहाँ पर करंट आया के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. मान लो यहाँ पर क्या करंट आई वन, यहाँ पर करंट दिया आई टू, बराबर. तो I1 is divided into I1 and I2. That's why मैं यहाँ पर लिखता हूँ I is equal to I1 plus I2. Equation number 1. क्या माना मैंने? I is equal to I1 plus I2. अब next देखते हैं. अब देखो यहाँ पर क्या जा रहा है? Point B पे करंट जा रहा है I1. Point B पे क्या आ रहा है? करंट जा रहा है. अब ये भी एक जंक्शन है,
ये भी क्या है जंक्शन, तो यहाँ पर भी करंट क्या होगा डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ पर जाएगा कुछ करंट यहाँ पर जाएगा। मान लो जो करंट गैल्वेनोमीटर पे जा रहा है उसको मैं बोलता हूँ आई जी, क्या बोलता हूँ मैं करंट आई जी, तो पॉइंट बी में कितना करंट जाएगा आई वन माइनस आई जी, क्योंकि आई वन में से आई जी यहाँ पर गया तो कितना बचेगा आई वन में से वो कहा जाएगा पॉइंट सी के पास या क्यू के पास। तो यहाँ पर I1 माइनस आई जी क्लियर है सबको, तो P में जा रहा है I1, Q में जा रहा है IG। अब देखो यहाँ पर R में I2 आ रहा है, पॉइंट D के पास देखो कौन सा करंट है, पॉइंट D के पास यहाँ पर करंट IG आ रहा है, अब पॉइंट D के पास I2 आ रहा है और IG आ रहा है, मतलब यहाँ पर पॉइंट D के पास से क्या निकलेगा I2 प्लस IG। तो रेजिस्टेंस एस में कौन से करंट जा रहे हैं I2 प्लस IG, कौन से करंट जा रहे हैं I2 प्लस IG, और पॉइंट सी के पास देखो कौन से करंट आ रहे हैं, पॉइंट सी के पास आ रहा है I1 माइनस IG और I2 प्लस IG, तो ये क्या बन जाएगा देखो I1 माइनस IG, यहाँ से करंट आया और सी के और कौन सा आ रहा है प्लस I2 प्लस IG, IG IG कैंसिल, I1 प्लस I2 क्या होता है I, मतलब यहाँ पर कौन सा करंट गया आई करंट आया वापिस, यहाँ पर कौन सा करंट आया आई वापिस, सर्किट में कौन सा करंट आ गया आई आया। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमें कच्चे करने हैं दो लूप, कितने लूप दो लूप, एक लूप वन और एक लूप टू, कौन से लूप कच्चे करने हमें लूप वन, अब कौन सा लूप वन होगा, दिस इज माई लूप वन दिस इज माई लूप टू, ये दो लूप है मेरे पास, तो लूप वन का नाम देखो, अगर मैं लूप वन को कंसीडर करता हूँ इफ यू कंसीडर लूप वन तो क्या नाम होगा ए बी डी ए, क्या हो जाएगा नाम ए बी डी ए, तो क्या हो जाएगा आपका लूप ए बी डी ए, इसमें क्या अप्लाई करना है मुझे केवीएल, क्या अप्लाई करना है केवीएल, तो केवीएल हमने लास्ट लेक्चर में किया था, यहाँ पर हमें दिख रहा है इफ वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, If we are going from A to B, यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा है C, यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा है P, और करंट कौन सा आ रहा है I1, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर P into I1, मैं इस तरह से आ रहा हूँ I am going from A to B, करंट ऑल्सो मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ A to B, तो अगर हमारा और करंट का डायरेक्शन सेम है तो साइन आता है माइनस, फिर कहाँ जाना है B to D, फिर कहाँ जाना है B to D, बी टू डी में रेजिस्टेंस क्या है गैल्वेनोमीटर का जी और करंट कितना आ रहा है आई जी, अब हम कैसे जा रहे हैं बी टू डी, करंट भी आ रहा है बी टू डी, तो हमारा करंट कंडीशन सेम है इसलिए माइनस, थर्ड थर्ड क्या हमारा डी टू ए, मतलब हम कैसे जा रहे हैं डी टू ए, अब हम डी टू ए जा रहे हैं रेजिस्टेंस कौन सा है आर, रेजिस्टेंस कौन सा है आर, करंट कौन सा है आई टू, अब देखो हम जा रहे हैं डी टू ए, हम जा रहे हैं डी टू ए, करंट आ रहा है ए टू डी, करंट आ रहा है ए टू डी, मतलब करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। सिमिलरली हम लूप टू लेंगे, क्या लेंगे लूप टू बी सी डी बी, क्या लिया हमें लूप टू बी सी डी बी, तो क्या बन जाएगा देखो लूप टू बी सी डी बी, क्या अप्लाई करना है के वी एल, क्या अप्लाई करना है के वी एल, तो चलो बी टू सी जाते हैं पहले, बी टू सी रेजिस्टेंस है क्यू, करंट है आई वन, आई वन माइनस आई टू, रेजिस्टेंस क्या है क्यू और करंट है आई वन माइनस आई टू, हम कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बी टू सी, करंट भी आ रहा है बी टू सी, तो हमारा करंट का डायरेक्शन सेम इसी यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन, फिर कहाँ से कहाँ जाना है सी टू डी, कहाँ से कहाँ जाना है सी टू डी, रेजिस्टेंस क्या है एस, रेजिस्टेंस क्या है एस और करंट कितना है आई टू प्लस आई जी, अब देखो हमारे सी टू डी, हम कहते आ रहे हैं सी टू डी, करंट का डायरेक्शन डी टू सी, मतलब हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
प्लस। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है डी टू ए, बी टू सी गए, सी टू डी गए, अब डी टू बी, डी टू बी, डी टू बी में क्या है रेजिस्टेंस जी करंट आई जी, रेजिस्टेंस जी करंट आई जी, हम ऐसे जा रहे हैं करंट ऐसे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन प्लस इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा करते हैं कंडीशन में इस नेटवर्क में कुछ ऐसा करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब जो आई जी है यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगा। हम कुछ ऐसा सेटअप करेंगे, हम कुछ ऐसा सेटअप करेंगे कि यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आएगा, तो हम मानेंगे आई जी इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस कंडीशन, क्या बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो हमेशा याद रखना है नेटवर्क में कौन सा वेस्टर्न नेटवर्क में जो करंट हम लोग ऐसा सेटअप करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है वो कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए, क्लियर है। तो देखो अगर मैं इक्वेशन टू में आई जी इक्वल टू जीरो पुट करता हूं, मुझे पूरा कितना हो गया जीरो, ये पूरा कितना हो गया जीरो, तो बचा क्या माइनस पी आई वन प्लस आर आई टू इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन थ्री में जीरो पुट करता हूं तो इक्वेशन थ्री में आई जी इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो क्या बनेगा, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया बराबर, क्योंकि आई जी इक्वल टू कितना है जीरो। तो यहाँ पर क्या बचा माइनस क्यू आई वन, ये आई जी जीरो हो गया, प्लस एस इंटू आई टू इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन नंबर। अब क्या करोगे डिवाइड इक्वेशन फोर एंड फाइव, क्या करोगे डिवाइड इक्वेशन फोर एंड फाइव, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या बनता है, देखो इसको इसे डिवाइड करूंगा आई वन आई टू कैंसिल, इसको इसे डिवाइड करूंगा आई टू आई टू कैंसिल, बचा क्या माइनस पी अपॉन क्यू इज प्लस आर अपॉन एस माइनस पी अपॉन इज इक्वल टू जीरो बराबर, क्यू आई वन आई टू से कैंसिल हो गया आई टू आई टू से कैंसिल, अब मैं उसको वो साइड भेजूंगा तो क्या बचेगा पी माइनस पी माइनस क्यू को क्या करूंगा मैं वो साइड भेज दूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर लिखता हूँ देखो अच्छे से, मैंने क्या किया माइनस पी माइनस क्यू को वो साइड भेज दिया क्या बन जाएगा आर अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो दिस इज माई बैलेंस कंडीशन है रेशियो ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस, कैसे याद रखना है पी अपॉन क्यू सामने वाले पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू गैल्वेनोमीटर से याद रखना है, गैल्वेनोमीटर से याद रखना है, गैल्वेनोमीटर के ये साइड वाला अपॉन गैल्वेनोमीटर के वो साइड वाला, सिमिलरली गैल्वेनोमीटर के ये साइड वाला अपॉन गैल्वेनोमीटर के वो साइड वाला, मतलब पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, दिस इज माई वेटस्टोन नेटवर्क। ओके तो ये था हमारा क्या व्हीटस्टोन नेटवर्क। अब हम बात करेंगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज की, इसकी बात करेंगे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। अब व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज का पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं, काम करूंगा सही में टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखो, सकते कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर क्या होता है अपने पास दो एल शेप के मेटल प्लेट्स होते हैं, क्या होते हैं दो एल शेप के मेटल प्लेट्स होते हैं, यहाँ पर एक मेटल प्लेट, यहाँ पर दूसरा मेटल बराबर, दो एल शेप पे क्या है मेरे पास मेटल प्लेट होते हैं, इस मेटल प्लेट के बीच में एक और मेटल स्ट्रिप होता है, क्या होता है एक और मेटल स्ट्रिप होता है बराबर, यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा इक्विपमेंट है हमारे पास, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा इक्विपमेंट है हमारे पास जिसमें से अगर हमने 5 वोल्ट का नॉब निकाला, सॉरी 5 ओम का नॉब निकाला तो इस सर्किट के अंदर क्या आ जाएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, अगर मैंने 10 ओम का नॉब निकाला, क्या निकाला 10 ओम का नॉब, तो हम
हमें सर्किट में कितना रेजिस्टेंस मिल जाएगा, 10 ओम कर दिया। तो याद क्या रखना है कि रेजिस्टर बॉक्स इज दैट इक्विपमेंट और दैट इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स अस द वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता होती है। क्यों? अगर मैंने 50 का निकाला ना, सर्किट में कितना हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा, इतना याद रखना। तो ये क्या है मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स आर की, रेजिस्टेंस बॉक्स आर। और जिस इक्विपमेंट पे, जिस रेजिस्टर का मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस या एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मुझे रेजिस्टेंस नहीं पता, उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, बराबर। तो एक गैप में मैंने क्या फिट किया, रेजिस्टेंस बॉक्स, दूसरे गैप में मैंने क्या फिट किया, रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस एक्स। तो मैंने यहाँ पर याद करके लिखता हूँ, आर बी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस बॉक्स और एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस। तो ये याद रखें कि आर बी क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, और x क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो इसके नीचे ही यहाँ पर कनेक्टेड होती है एक मीटर की मेटल वायर। क्या कनेक्टेड होती है, एक मीटर की मेटल वायर। कितने मीटर की, एक मीटर की। और इसके नीचे एक स्केल होती है, क्या होती है, स्केल होती है, जिससे हम लोग क्या नाप सकते हैं, मेटल वायर का लेंथ नाप सकते हैं। तो ये स्केल भी कितने मीटर की है, एक मीटर की। याद रखो कि यह स्केल कितने मीटर की है, एक मीटर की है। हमें पता है एक मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बराबर। अब यहां पर हम कनेक्ट करेंगे क्या अपना गैलोनोमीटर। क्या कनेक्ट करेंगे हम अपना गैलोनोमीटर, क्यों, क्योंकि हमने देखा था नेटवर्क में गैलोनोमीटर की रिक्वायरमेंट थी। यहां पर हमने क्या कनेक्ट किया, गैलोनोमीटर कनेक्ट किया एक वायर से, और गैलोनोमीटर का दूसरा एंड हमने कनेक्ट किया एक जॉकी से। जॉकी क्या होता है, एक पेन टाइप का मेटालिक इंस्ट्रूमेंट, एक पेन टाइप का मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके नीडल को हम क्या करते हैं, वायर पे टच करते हैं। क्या करते हैं, वायर पे टच करते हैं। अगर हमें व्हीटस्टोन नेटवर्क की कंडीशन याद है तो उसमें क्या आता है, बैलेंस कंडीशन आता है। क्या आता है, बैलेंस कंडीशन आता है। क्या आता है, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन मतलब क्या, आई जी इज इक्वल टू जीरो, मतलब करंट की पैरामीटर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जैसे ही हम सर्किट ऑन कर देंगे, जैसे ही हम क्या ऑन कर देंगे, सर्किट ऑन कर देंगे, तो मान लो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, तो यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हुआ, यहाँ से क्या फ्लो होना चालू हुआ, करंट फ्लो होना चालू हुआ। जैसे मैंने सर्किट ऑन किया तो क्या होगा, यहाँ पे करंट जाएगा, सिंपल सी बात, इसमें से भी जाएगा। अब हमारा काम क्या है, जॉकी को अलग अलग जगह पे टच करके देखना है, इस वायर के अलग अलग जगह पे टच करके देखना है। कब तक, जब तक हमें गैलोनोमीटर में करंट इतना नहीं आ जाता, जीरो नहीं आ जाता। कब तक टच करना है, जब तक गैलोनोमीटर में करंट जीरो नहीं आ जाता। तो मान लो मैंने यहाँ पर टच किया तो मुझे कुछ वैल्यू मिल रहा है, इसमें गैलोनोमीटर में, मैंने यहाँ पर टच किया फिर भी मुझे कुछ वैल्यू मिल रहा है गैलोनोमीटर में। फाइनली टच करते 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 गया, मैं यहाँ पर आया, कहाँ पर आया, इस पॉइंट पर, मतलब जॉकी को कहाँ लेके आ गया, मैं यहाँ पर लेके आ गया, बराबर। इस पॉइंट पर मान लो मुझे क्या मिल गया, आई जी इज इक्वल टू जीरो मिल गया। क्या मिल गया, आई जी इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या मिल गया मुझे, बैलेंस कंडीशन मिल गया, बराबर। क्या मिल गया मुझे, बैलेंस कंडीशन मिल गया। तो देखो इस पॉइंट पे जॉकी, इस पॉइंट पे जॉकी वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर, वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मान लो इसको मैंने दे दिया पॉइंट ए, इसको दे दिया पॉइंट बी, इस पे दिया पॉइंट सी, बराबर। तो इस पॉइंट पे जॉकी ने क्या किया, क्या किया जॉकी ने, वायर को, जो एक मीटर का वायर था उसको डिवाइड कर दिया ए बी और बी सी, इसमें डिवाइड कर दिया ए बी और बी सी। अब मैं बोलता हूँ ये जो ए बी लेंथ का वायर है, ए बी लेंथ का वायर है, इसको इसमें रेजिस्टेंस है आर ए बी, इसमें कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैं अपने को पता है हर एक ऑब्जेक्ट का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मेटालिक वायर है तो इसका भी अपना क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोल दिया मैंने, आर ए बी। कहाँ तक, फ्रॉम लेंथ ए टू बी,
अगर मैं बात करूँ फ्रॉम बी टू सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ बी टू सी, तो बी टू सी में भी अपने वायर को क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। बी टू सी में भी क्या होगा, वायर का अपना है रेजिस्टेंस होगा। हाँ या नहीं? तो चलो, तो जो रेजिस्टेंस है फ्रॉम बी टू सी मैं बोलता हूँ वो है आर बी सी। वो क्या है? आर बी सी। ठीक है, तो मुझे चार रेजिस्टेंस होते थे अपने नेटवर्क में। अपने नेटवर्क में कितने रेशियो होते थे? अगर हमें नेटवर्क आपको याद है तो हमने कितने रेशियो बनाए थे? एक, दो, तीन, चार। ये चार रेजिस्टेंस, ये ग्यारह मीटर, ये जी था, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, ये एस था। हमने क्या लिखा था? पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर। क्या लिखा था हमने? पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर, मतलब सामने वाले अपॉन सामने वाले। हाँ या नहीं? सामने वाले अपॉन सामने वाले, सॉरी सामने वाले इज इक्वल टू सामने वाले, बराबर। मतलब सामने वाले को पी क्यू है तो पी क्यू को लिखा, नीचे कौन है? पी एस और आर, ऐसा था। चलो आर बी के सामने कौन है? एक्स है। आर बी के सामने कौन है? एक्स। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? आर बी अपॉन एक्स, आर बी अपॉन एक्स। आर बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर ए बी अपॉन आर सी बी, क्योंकि सामने सामने लिखते हैं ना अपन रेशियो। क्या बन जाएगा? आर ए बी अपॉन आर सी बी, बराबर। अब देखो हमारे पास आर ए बी वैल्यू है। चलो रजिस्ट्रेशन बॉक्स में मान लो हमें 10 ओम निकाला, रजिस्ट्रेशन बॉक्स में मैंने क्या निकाला? 10 ओम का वैल्यू निकाला। तो मेरे पास आर बी तो है, पर वॉट अबाउट आर ए बी एंड आर सी बी सी? ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम वायर से तो नहीं पूछ सकते ना कि भाई तेरा रेजिस्टेंस कितना है बता। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या वायर से कि लेंथ ऑफ वायर भारी की रेजिस्टेंस तेरा कितना है बता? नहीं पूछ सकता, राइट। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंजेस। हमें रिलेशन पता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कहाँ पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड। जैसे जैसे हम लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर इसको मैं मानूं, इसको मैं मानूं, तो देखो इस आर ए बी के अगेंस्ट जो लेंथ है वो ये है, और आर बी सी के अगेंस्ट जो लेंथ है वो ये है। हाँ नहीं? हाँ नहीं? मान लो आर ए बी के अगेंस्ट जो लेंथ है वो लिखता हूँ मैं आर बी एल बी, और आर ए सी के अगेंस्ट जो लेंथ है लिखता हूँ मैं एल एक्स। चलिए मैंने आर बी सी के अगेंस्ट एल एक्स। अब देखो मुझे इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो नहीं पता ना, पर मैं लेंथ तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि नीचे मेरे पास क्या है? स्केल है। क्या है? स्केल है। मान लो ये जीरो है और मुझे ये पॉइंट मिला है 40। कहाँ पर मिला है? 40। कहाँ पर मिला है मुझे ये पॉइंट? 40 पे। तो एल बी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एल बी कितना हो जाएगा? 40। और एल एक्स कितना हो जाएगा? टोटल 100 होता है, तो 100 माइनस 40 कितना बचा? 60। हाँ या नहीं? तो अगर हमें रेजिस्टेंस पता भी नहीं है तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? उनकी लेंथ के करस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? आर ए बी की जगह पर लिखूंगा एल एक्स, सॉरी एल बी, और आर बी सी की जगह लिखूंगा एल एक्स, बराबर। तो लिखो यहां पर आर बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर ए बी की जगह एल बी, क्योंकि लेंथ हमें पता है, स्केल से निकाल सकते हैं हम लोग। आर बी की जगह एल एक्स। हमें किसके वैल्यू चाहिए? वी वांट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। वी वांट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, मतलब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स को ऊपर लेके जाओ तो एक्स ऊपर आ गया। एल एक्स को आर बी के बाद लेके जाओ, आर बी इंटू एल एक्स अपॉन एल बी को नीचे लेके आओ। चलो अब देखो हमारे पास वैल्यू ये है या नहीं। आर बी पता है हमें, चलो मान लो यहाँ पर हमें एल एक्स कितना मिला, एल बी कितना मिला? 40। एल एक्स मिल गया 60। तो हमें आर बी की वैल्यू मिल जाएगी
एलएक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी, फर्स्ट एनडी की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस तरह से हम लोग कंप्यूटर रिलेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द व्हीटस्टोन नेटवर्क एंड व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे पोटेंशियल मीटर। कल का हमारा टॉपिक क्या होगा? पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ओके, तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल मीट टुमारो अगेन।